हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको इंटेल का i3 प्रोसेसर की अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं। आप देखेंगे इस इंटेल i3 प्रोसेसर जो कि फोर्थ जनरेशन का है, जिसका मॉडल है i3-4150, जो कि LGA1150 सॉकेट को सपोर्ट करता है। इस प्रोसेसर की जो स्पीड है वो है 3.5 GHz। इसमें 3 MB कैश मेमोरी है और प्रोसेसर की बात करें तो ये जो सभी जानती हैं कि i3 प्रोसेसर कोर सीरीज के प्रोसेसर आजकल मार्केट में आए हुए हैं, जिसकी स्पीड जो 12 कोर कोर टू ड्यू क्वाड कोर प्रोसेसर से काफ़ी फास्ट होती है, और जो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन के i3 के प्रोसेसर आए थे उनसे काफ़ी फास्ट इसकी स्पीड है। इसमें 2 कोर 4 पे मल्टी टास्क प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट स्पीड में प्रोसेस होती है। इसके अंदर अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट कैश टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर इसमें मेमोरी कंट्रोलर टेक्नोलॉजी है, सपोर्ट 2 चैनल DDR3 मेमोरी, 2 चैनल DDR3 मेमोरी को ये सपोर्ट करता है। और ये इंटेल SD ग्राफिक 4400 ग्राफिक तक सपोर्ट कर लेता है। इसके अंदर आप देखेंगे जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये इस तरीके से यहाँ पर साइड में CPU आपको नजर आ रहा होगा। इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ ये अंदर से किस तरीके का होता है। जैसे कि इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर एक बॉक्स होता है, साथ में एक मैनुअल दिया हुआ है इन्होंने, और इस तरीके से आप देखेंगे इस तरीके की पैकिंग होती है। जो प्रोसेसर है वो साइड में इस तरीके के बॉक्स में आता है, और ये हम साइड से प्रोसेसर को इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आप देखेंगे, ये जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं वो यही CPU होता है। ये आपको मैं अगर हाथ में लेके दिखाऊं तो पीछे से ये इस तरीके का होता है। साथ ही इंटेल ने इसके साथ कूलिंग फैन भी दिया है, जो कि इंटेल का ओरिजिनल कूलिंग फैन होता है। आप देख सकते हैं ये 4 पिन की इसके अंदर प्लग इन होती है, और ये कूलिंग फैन है। ये इसका नीचे सिंक है एल्यूमिनियम का, 12 वोल्ट का इसमें CPU फैन के साथ ही आता है। तो इस तरीके से के लिए मदरबोर्ड कौन सा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।